हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आज वार है, क्या वार है, आज सैटरडे है, सॉरी। तो अभी मैं सुबह का टाइम था और किचन थी ना, वो ये दूध रखा है, इसका खीर बनाऊंगी। और ये परसों का दूध था, अब जाके फिनिश हुआ है, ये चाय में डाला है। परसों का दूध रखा हुआ था, बच्चे ने कहा रात को पानी नहीं था तो बर्तन पड़े हैं ऊपर, टैंक में पानी नहीं था, नीचे वाले में था, नीचे से मोटर ने उठाया नहीं, तो रात की किचन भी ऐसे ही फैली पड़ी थी और बर्तन भी, क्योंकि पानी नहीं था नीचे से, उसमें नीचे वाले टैंक में से निकलता नहीं ज़्यादा। तो मैं सोचे सुबह ही करेंगे। और ये अचार लेके आए थे अंजलि के पापा, जो टीट होते हैं उनका छोटे वाले, वो ही खाते हैं और किसी को अच्छा नहीं लगता। घर पर हम लोग नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आज, आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। और मटर तो परसों ही लिए थे, आपको पता ही है, उस दिन लिए थे ना मटर, लिए थे वो पड़े हैं। मटर वैसे बच्चे कच्चे खा लेते हैं, वैसे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों बच्चों को सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते। और ये जो परसों वाला दूध है उसमें से बचा हुआ है चाय बनाने के बाद, और ये चावल के और लड्डू वगैरह लेके आए थे सुमित ने खाने के लिए, निकाले थे, वो खाया नहीं, फिर रख दिया। और बाहर पड़े पड़े फिर है ना, ये सिले सिले से हो जाते हैं, तो इनको पैकेट में डाल के रखते हैं तभी खाने वाले रहते हैं। और वही लेके आया था, उसको पसंद है ये मुरमुरे वाले लड्डू और ये गज्जक वगैरह मूंगफली की रही है, तो इसी में डाल के रख दूंगी, वरना बाहर तो सिले सिले हो जाएंगे, फिर फेंकने पड़ेंगे खाने लायक, और मेरी चाय निकल जाती है इतनी देर में। तो अभी इनको लड्डुओं को इसमें डाल के रख देती हूँ मैं, और डब्बे में बंद कर देती हूँ, मतलब डब्बा बंद कर दूँगी ना तो फिर ज़्यादा वो नहीं होगा। और ये भी मुरमुरों वाला ही है, मीठा जो आता है वो। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी मटर की। और आलू है वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, आज गैस पे ही बनाऊंगी, क्योंकि उधर मैंने खीर रख रखी है, खीर बनाऊंगी। और चावल नहीं थे, मैं ये बोल रही थी चावल नहीं थे घर में, भूल गई, फिर सुमित से मंगवाए थे, तो मैं सोची चलो इतने सब्ज़ी बना लेते हैं, वो सुमित चावल लेके आएगा, इतने ध्यान ही नहीं रहता यार घर में, छोटी 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 बहुत सी चीज़ें, मतलब लास्ट तक आती रहती हैं। मैं कब, मेरे साथ तो यही होता है, कभी भी लिख के ले जाऊँ तो भी मेरा सारा किचन का सामान एक साथ नहीं आता। तो सब्ज़ी बन के होगी रेडी, अभी इसको बंद कर देते हैं और अभी खीर बनाएंगे। और हमने तो मकर संक्रांति पे यही बनाई था, आप लोगों ने क्या क्या बनाया शेयर करना ज़रूर। ये चावल लेके आया सुमित, और कुछ वो कपड़े धोने की साबुन भी नहीं थी तो वो भी मंगवाई थी सुमित से। और उसके बाद भी मुझे शैम्पू ख़त्म हो रहे थे, फिर भेजा था अंजलि को, तो खीर बन के मेरी रेडी हो गई। खीर में सिर्फ किशमिश डाले और कुछ नहीं डाले, बच्चे खाते नहीं, कुछ नारियल वगैरह या बादाम वगैरह डाल देती हूँ, तो बस किशमिश खुश होकर खाते हैं, तो किशमिश ही डाला था और कुछ नहीं डाला। इधर चाय बना रही हूँ, अंजलि के पापा की तबीयत ख़राब थी तो अभी मैं बना रही तिल के लड्डू, आधा केजी तिल थे, इनको पहले थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे, हल्का 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 ब्राउन हो जाएंगे ना तो फिर इनको बंद कर देंगे, इसको इंडक्शन को। अभी तो फुल पे चल रहा है, सिम पे करके, गैस को सिम पे करके ही इनको थोड़ा थोड़ा इनको भूनना है। हर बार बनाते हैं हम तो मकर संक्रांति में, मतलब तिल के लड्डू तो बनाते ही बनाते हैं। तो अभी मैंने गुड़, आधा केजी गुड़ ही लिया, आधा केजी वो था सॉरी तिल थे, और इसमें मैंने एक चम्मच पहले घी का डाला था कढ़ाई में, और उसके बाद आधा केजी गुड़ डाला था, और आधा कप करीबन पानी डाला था, बस ज़्यादा नहीं डाला पानी। तो अभी ये चाशनी, ये नया वाला गुड़ था इसीलिए इसका कलर ऐसा आ रहा है, रेड वाला गुड़ नहीं था, ये ब्राउन वाला जो वाइट वाला गुड़ आता है ना वही था। इसको लगातार चलाते रहना है, मतलब बीच में छोड़ना नहीं है, वरना पेंदे में लग जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है। और गैस को सिम पे ही कर रखा है मैंने, बीच बीच में सिम पे किया, बीच में तेज किया, बीच में फिर सिम पे कर दिया था। तो अभी चाशनी बनाएंगे इसको, कम से कम भी मतलब 10 से 12 मिनट लगती है चाशनी बनने में, बट इसको मतलब छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है चाशनी को, गुड़ वाली चाशनी को। और लड्डू बड़े मस्त बने थे, अभी दिखाऊँगी मैं आपको, देखना। और मैंने बस मतलब मैं अपने मन से ही वो करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कटोरी में थोड़ा पानी डाल लिया था, उसमें डाल के देख लिया था कि जो इसकी बाउल सी थी वो बन गई थी, वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बीच वाली थी, तो फिर इसके अंदर मैंने तिल ऐड की थी। अभी इसको लगातार चलाते रहूँगी तो ये नीचे मतलब चिपकेगा भी नहीं और अच्छी चाशनी बनेगी। गैस को सिम पे ही रखना बट। और आप लोग कैसे बनाते हो, मतलब चाशनी बना के बनाते हो या फिर कैसे बनाते हो? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, अभी इसको चाशनी बोल लो या गुड़ को मेल्ट करने बोल लो। तो चाशनी मेरी बन चुकी थी, अभी इसमें तेल डाल दिए हैं, इनको मिक्स कर देंगे और अच्छे बने थे। पिछली बार थोड़े से टाइट हो गए थे, ज़्यादा नहीं। और ये देखो अभी इनको सबको मिक्स कर लिया, इनका गरम गरम के लड्डू बनेंगे वरना फिर नहीं बनेंगे, फिर तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा।
मतलब बनेंगे नहीं लड्डू, नहीं बनेंगे, इतने टाइट तो नहीं होगा, लेकिन इसको गरम गरम के ही बनाने होते हैं लड्डू। तो मैं तो एक कटोरी में ठंडा पानी डाल लेती हूँ और उसमें थोड़ा हाथ पे लगा के और फिर उसे बना लेती हूँ लड्डू, थोड़ा थोड़ा मतलब पानी लेके, क्योंकि गर्म नहीं लगता फिर हाथों को, थोड़ा ठंडे पानी में हाथ डाल के और फिर लड्डू बना लेती हूँ। तो ज़्यादा गोल गोल तो बने नहीं थे बट लड्डू बना दिए थे। तो अभी मैं लड्डू बनाने लग रही थी। ये देखो पानी का हाथ ले लिया था थोड़ा सा। और यार मेरे कल ध्यान ही नहीं रहा, बनाने तो मेरे को कल ही थे, मतलब संक्रांति से पहले वाले दिन बनाते हैं, बट मेरे को ध्यान ही नहीं था। ये देखो लड्डू बन गए हैं अच्छे से, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और सुबह सुबह किचन में खड़े खड़े मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया, मतलब ऐसी हालत ख़राब हो गई कि बस अब तो चारपाई पे लेट जाऊँ। मैं कम से कम भी 8 बजे किचन में खड़ी हुई थी आज, और कंटिन्यू 11 बजे तक, क्योंकि रात के बर्तन भी पड़े हुए थे, पानी था नहीं, तो बर्तन वर्तन सारे सब किचन विचन सब क्लीन की। और अंजलि के पापा की कुछ तबीयत ख़राब थी तो रात को वैसे भी नहीं सो पाई। तो अभी बस मैं लड्डू बना रही थी, अंजलि से बोल रही थी आजा बनवा दे कुछ, बट बच्चों का आपको पता ही है छुट्टी वाले दिन। तो ये देखो लड्डू बन के हो गए रेडी, और ये देखो चिपक नहीं रहे आपस में। देखो मैं उठा उठा के दिखा रही थी सारे एक एक, कि मतलब गरम गरम बोलते ना अलग अलग, मैंने इसी में डाल दिए थे, ऊपर नीचे रखे थे तो भी नहीं चिपके, इसमें अच्छे बने थे। मतलब जो नीचे नीचे वाला है वो भी निकाल के दिखाऊंगी, देखना अभी आपको, जो नीचे बिल्कुल पैंदे में है देखो सब अलग अलग है, ये नहीं थे कि मतलब आपस में चिपक रहे थे। तो आप लोग भी खा लीजिए संक्रांति के तिल के लड्डू, और लड्डू ज़रूर बनाते हैं हमारे तो संक्रांति पे। तो ये देखो सारे तिल के लड्डू बन के हो गए हैं रेडी, और बच्चे खाते मेरे अंजलि को और सुमित को ज़्यादा पसंद। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आओ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के बज चुके हैं, दो बज चुके हैं, और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने तो बस खाने में तो आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी और चूरमा बनाया था, और बच्चों ने पूरी के लिए मना कर दिया तो पूरी नहीं बनाई, और तिल के लड्डू बनाए थे। तिल के लड्डू की भी रेसिपी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दी, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये भी शेयर करना। पिछली बार बनाए थे ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो गुड़ की चाशनी बनाते हैं ना वो थोड़ी सी टाइट होगी, लेकिन अब की बार वाले अच्छे बने हैं, आप देखना। मैंने कि यार मैंने ठंडे वंडे भी कुछ नहीं किए, मतलब साथ साथ में डाल दिए थे उसमें, और उठा रही थी तो एकदम मैं अलग अलग थे, मतलब ये नहीं था कि चिपक रहे थे आपस में, अच्छे बने। तो काम मेरा अब जाके फिनिश हुआ है, और आज मुझे शैम्पू करना था बालों में, तो बालों में शैम्पू भी किया है और अभी वॉश किया है। ठंड लग रही है लेकिन धूप अच्छी चल रही है और हवा भी चल रही है, धूप चल नहीं रही, धूप अच्छी है और हवा भी चल रही है बाहर। अभी बाहर थोड़ा धूप में बालों को सुखा के आई हूँ, और कपड़े कल वॉश किए थे ना अभी तक नहीं सूखे। अब धूप निकली थी 11 बजे, 11:30 निकली थी, तब दोबारा डाले, आज उन पे प्रेस करूँगी फिर शाम को। तो ये था छोटू सा व्लॉग, मैंने सोचा पूरा व्लॉग बना दिया, वीडियो बना दिया, लेकिन बात कहीं नहीं की तो थोड़ी बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।